कोरोना वायरस से बचना है तो इन चीजों को खाने से बचें। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने जाल में कैद कर दिया है, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है। इससे बचने का एकमात्र तरीका है आप खुद की सुरक्षा खुद करें और सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के चक्कर में ना पड़े। भारत सरकार द्वारा इस वायरस से बचने के लिए कुछ नियमों को बनाया गया है, जिन्हें फॉलो कर आप इस झमेले से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खाने पीने में बदलाव नहीं करते हैं, तब भी आप इस वायरस का शिकार हो सकते हैं। ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे अपनी चपेट में ले लेगा, इसलिए आप इन चीजों को खाने से पहले सोच ले, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। आज के समय में फास्ट फूड को लेकर जबरदस्त क्रेज है, बच्चों और बड़ों में ये सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काफी नुकसानदायक है। इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोग क्षमता कमजोर होती है। ऐसे में अगर आप कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं तो फास्ट फूड खाना बंद कर दें। आज के समय में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बासी खाना खाने को फायदेमंद मानते हैं, लेकिन ये खाना आपके शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बता दें कि बासी खाने में बैक्टीरिया का जन्म होता है, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। पाम ऑयल की तुलना में रिफाइंड ऑयल आपके शरीर के लिए ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इससे इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ता है और व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है। अगर आपको खांसी और जुखाम जैसी समस्या हो रही है तो तुरंत रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल बंद कर दें। सील बंद अचार में सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर में डिहाइड्रेशन और किडनी की समस्या पैदा कर देता है, जिसके वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए केवल घर के बनाए अचार का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से बचना चाहते हैं तो आप हर उस काम को करना बंद कर दें जिसके वजह से बैक्टीरिया का जन्म होता है। धन्यवाद।